कक्षा 7 विषय हिंदी, छोटा जादूगर, ये 7वां पाठ पढ़ा रहे थे। ये छोटा जादूगर कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इसका सारांश समझा दिए हैं। इसमें मौखिक प्रश्न है, छोटा जादूगर कहानी के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा छोटा जादूगर कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा है छोटा जादूगर, जो दूसरा प्रश्न है छोटा जादूगर कार्निवल के मैदान में क्यों गया था? तो छोटा जादूगर कार्निवल के मैदान में जादू दिखाने के लिए गया था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और माँ बीमार थी, इसीलिए कुछ पैसा कमाने के उद्देश्य से जादू दिखाने गया था। तीसरा, लेखक की पत्नी द्वारा दिए गए रुपये का वह क्या करना चाहता था? लेखक की पत्नी के रुपये दिए गए रुपये का वह पहले नाश्ता भरपेट करना चाहता था, उसके बाद एक कम्बल खरीदना चाहता था। बालक ने पर्दे के पीछे होने वाले तमाशा देखने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि उसमें टिकट लगता था, उसके पास पैसा नहीं था, इसीलिए वह पर्दे के पीछे होने वाले तमाशा का इनकार कर दिया। लेखक ने झोपड़ी में क्या देखा? लेखक ने झोपड़ी में देखा जो जादूगर की माँ मर चुकी है और जादूगर उसको पकड़ पकड़ के बिलख बिलख के रो रही है। इस प्रकार मौखिक उत्तर समझा दिए।